Blue team has scored for the first time! The blue team is unstoppable! हेलो फ्रेंड, मैं हूं अंदर इब्राहिम और आप देख रहे हैं VIP नज़रा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड देखो यार, अभी गर्मी का समय है और भाई अभी क्या होता है कि आप पबजी मोबाइल खेलते हैं या फिर आप कोई भी गेम खेलते हैं ना, तो आप सभी का फ़ोन है जो वो भाई हीट हो जाता है और इसकी वजह से आपका गेम लैग करता है, ठीक है। और भाई यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन पर सर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कूलिंग के लिए, तो भाई वो आप सभी को है जो मतलब 200+ ही है जो आप सभी को है जो वो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, 200+ में ही। तो अभी आप सभी बताएंगे कैसे है जो आप घर पे ही आप कुछ जुगाड़ से आपको 50 या फिर 60 रुपये खर्च होगा आप है तो उसमें है जो आप एक कूलिंग फ़ैन बना सकते हैं अपने हाथ से और उस पर आप लिख दीजिएगा मेड बाय मी, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में सिखाने वाले हैं कि कैसे है जो आप एक कूलिंग फ़ैन बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखो यार, ये जो प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा ना, हो सकता है आपके घर में ना पहले से ही अवेलेबल रहेगा और या फिर हो सकता है कि आपके घर में वो अवेलेबल नहीं रहेगा। मतलब 50% चांस है कि वो प्रोडक्ट आपके पास होगा और 50% चांस है कि वो प्रोडक्ट है जो आपको मार्केट से लेना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ फ्रेंड, अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको सिर्फ 50 या फिर 60 रुपये खर्च होगा, आप बना लीजिएगा एक कूलिंग फ़ैन। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जाते हैं सीधा कैसे हम बनाए हैं वो सिखाएंगे आप सभी को। तो अगर आप सब हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से आपको फायदा रहेगा जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं इसे ख़त्म करने के लिए। तो फ्रेंड चलिए हम आपसे बताते हैं कि आपको क्या क्या लगेगा पहले, ठीक है। सबसे पहले ये भाई देखो, ये मोटर है जो मैं अपने लोकल मार्केट से लिया हूँ 20 रुपये का, ठीक है। जहाँ पे लाइट सब मिलता है ना, जो आपके लोकल मार्केट में होगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप, वहाँ से जो आप ले लेना, ठीक है, ये आपको 20 रुपये में आएगा। और ये भाई आपको मालूम है 5 रुपये में सिर्फ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 25 रुपये, ठीक। उसके बाद आपको ये हार्डवेयर की दुकान से मिलेगा, इसको बोलते हैं एमसील, ठीक है। तो आपको एमसील आप बोलिएगा तो आपको दे देंगे वो, तो ये आपको 10 रुपये में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 35 रुपया। उसके बाद आपको ये होल्डर आएगा जो कि भाई एक ख़राब होल्डर हमारे घर में था, अगर आप सभी से दुकान से लेते हैं तो आपको 20 रुपये 15 रुपये में ऐसे आएगा, ठीक है। तो आपको ना ये जब ये आप होल्डर लेते हैं ना, तो आप इसका अंदर का जितना ये रहता है ना, ये सब सबको आपको निकाल देना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया मान के चलिए 55 रुपये, ठीक है। उसके बाद भाई आपको ना ये वाला जो एक आता है स्टील किल, ये आपको ले लेना है, कितना मतलब 2 पीस ले लेना है 1 इंच का, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको लेना है एक ये एक लकड़ी का ये ले लेना है। तो उसके बाद आपको चाहिए पावर बैंक, ठीक है। अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है ना, तो मैं आप सबको एक और तरीके बताऊंगा, ठीक है। अगर नहीं है तो, अगर है तो कोई बात नहीं। तो भाई आप सभी के सामने में ये प्रोडक्ट है जो ये सब चाहिए, ठीक है। और इससे जो आप एक कूलिंग फ़ैन बना सकते हैं अपने मोबाइल के लिए। और मेन इंपॉर्टेंट भाई आपको चाहिए एक USB केबल, ठीक है, जो आपके घर में अगर ख़राब होगा ना, तो अभी का टाइम ऐसा है कि भाई सबके घर में जो ये ख़राब वाला मिल ही जाता है, ठीक है। तो आप ख़राब वाला को यूज़ करना, तो ये सबसे है जो आपका बन जाएगा एक कूलिंग फ़ैन। और आपको ये एक वायर चाहिए, ठीक है। ये वायर क्यों चाहिए मैं आप सभी को बाद में बताऊँगा, ठीक है। बस इतना ही छोटा चाहिए। तो देखो ये सब आपको चाहिए और आप बनाइएगा, ठीक है। तो अब हम कैसे बनाएंगे आप सभी को हम दिखाते हैं। देखो सबसे पहले ना भाई हमें क्या करना है, इस होल्डर को ना इसमें पहले हम ना वायर लगाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पे 2 होल है इसमें। तो भाई देखो यहाँ से जो मैं 2 वायर को लगा दिया हूँ, और ये वायर मैं क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि भाई देखो ये है ना, इसका वायर जो रहता है ना ये कमज़ोर रहता है, ठीक है। और हम इसके अंदर ना लाइफ टाइम के लिए जो हम इसे फिक्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई एमसील लगाएंगे ना तो भाई ये कभी निकलेगा नहीं, तो हम इसके लिए इसे यूज़ कर रहा हूँ और ये मज़बूत रहेगा, ठीक है। तो हम फटाफट है इसके अंदर जो हम वायर को लगा देते हैं, ठीक है। इस से ये लग गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे जो थोड़ा हम इसे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो हम लगा देते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो भाई देखो ये लग गया है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब जो हम इसे एमसील से एकदम ठीक से जो फिट कर देंगे, ठीक है। तो एमसील को जो हम फटाफट गूंज लेते हैं, ठीक है, मतलब मिला लेते हैं। तो अगर आप सब एमसील को ओपन करेंगे तो आपके सामने में दो ये मिलेगा, दोनों को एक में जो मिक्स करना है, मिक्स करके जो आपको इसमें जो लगा देना है, ठीक है। तो हम फटाफट लगा लेते हैं। ये हैं, अब जो हम इसे थोड़ा यहाँ पे अपने हिसाब से है जो लगा देते हैं, ठीक है। परंतु देख लीजिए भाई, यहाँ से जो एमसील को हम लगा दिए हैं और भाई एकदम अच्छे से है जो ये फिट हो गया, ठीक है। अब ये भाई ये हिलेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब है जो हम इसको जो इसके अंदर है जो हम लगा देंगे, ठीक है। और हाँ फ्रेंड देखो, जब आप ये करते हैं ना तो होल्डर में ना थोड़ा इस टाइप से ना भाई थोड़ा इसे होल्ड कर लेना, ठीक है।
तो यहाँ पे हो गया उसका। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब इसे फिट करेंगे, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि भाई देखो, मैं यहाँ से अपना होल्डर है ना, जो लाइट का जो होल्डर, इसमें जब फिट कर लिए, मोटर भी इसके अंदर लगा दी, एमसील से एकदम फिट कर दिए हैं। अब बारी आता है इसमें कनेक्शन करने का, ठीक है। ये वाला वायर है जो इसमें कनेक्शन करने का, तो हम क्या करेंगे, हम है जो ये वाले साइड को जो काटेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड देखो यार, अब आपको क्या करना है, आपको वायरिंग करना है सिंपली। तो भाई देखो, आप इसमें वायरिंग जब करते हैं ना, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। बस आप एक चीज़ याद रखना कि आपने दोनों को ना पहले भाई अपने पावर बैंक में इस वाले यूएसबी केबल को लगा के, और इसमें ना अपने जो ये फैन देगा ना, तो आपको इसमें मोटर में लगा के ना पहले आप ना चेक कर लेना, ठीक। अगर आप इसमें गलत वायर जोड़ देंगे ना, तो भाई ये पंखा है जो ये उल्टा नाचने लगेगा, ठीक। इससे जो आपको हवा नहीं आएगा। अगर आप इसे इसमें जो ठीक से वायर जोड़ते हैं, सीधा वायर, मतलब इसको प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में, तब आपको जो हवा है जो ठीक आएगा, ठीक है। तो आप ये दोनों है जो पहले ठीक कर लेना, ठीक है। देख लेते एक बार में, हाँ हवा आ रहा है मुझे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो हम फटाफट इसका वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। देखो ले, यहाँ से जो हम वायरिंग कर दिए हैं, और इसमें देखो यहाँ से पूरा अच्छे से वायरिंग हो गया। उसके बाद से भाई आपका यहाँ पे जो फैन बन गया है, अब है जो हम इसे अपने पावर बैंक में लगाते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, जैसे हम पावर बैंक में लगाए तो भाई ये चलने लगा, पे है जो हम इसके ऊपर से हम गेम खेल सकते हैं। हवा इतना आ रहा है कि भाई आपको जो फ़ोन खोना है कभी हिट नहीं होने देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आप कौन सा जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास ये पावर बैंक नहीं है। तो फ्रेंड देखो यार, आपको जो इसको कैसे यूज़ करना है, आपको इसको ना भाई लाइट पर यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको अपने चार्जर वाले में इसे इन कर लेना है, उसके बाद जो आपको इसको अपने लाइट बोर्ड में लगा देना, ठीक है। देखो कितना फास्ट चल रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो अपना भाई इसी टाइप से है जो एक कूलिंग फैन बना सकते हैं। और हाँ फ्रेंड देखो, अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है ना, तो आप चार्जर का जो अडेप्टर है जो आप इसे यूज़ करिए भाई, आपको और भी ज़्यादा स्पीड है और आप बिंदास गेम खेलिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए #VIPNazra।